हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय देसी फूड जायका चैनल। और आज हम जो है बनाने वाले हैं रवा के लड्डू। ठीक है, घर पे कैसे बनाने हैं, बिना चाशनी के, बिना कोई दूध यूज किए, बिना पानी यूज किए, ठीक है, जो बहुत टाइम तक टिक जाएंगे। ऐसे लड्डू हम कैसे बनाएं, वो भी कम समय में कैसे बनाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो जरूर से पूरा वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप चाहते हो कि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे, तो बेल आइकन जो है वो प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, तो आपको बस इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाके @desifoods जायका जो है सर्च करना है, आपको जो है मेरा अकाउंट वहां पे मिल जाएगा, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। और अगर कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो चल के बनाते हैं रवा के लड्डू। तो गाइज, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया है। तो ये है 1 कप रवा, ठीक है, 1 कप सूजी है, तो मैं 2 कप लूँगी। ओके, ये है ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स आप आपके हिसाब से लेना, जो भी आपको पसंद है। घी है 1 कटोरी और ये है पीसी हुई शक्कर, ठीक है, पीसी हुई चीनी है 1 कटोरी। तो पहले हम क्या करेंगे, पैन लेंगे, पैन को गर्म करेंगे, उसमें घी ऐड कर देंगे। तो घी मैं इसमें आधी ऐड करूँगी, आधी मैं साइड में रख दूँगी, ठीक है। तो घी ऐड कर दिए, घी गर्म हो गई, उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया मैंने मेजरमेंट से लिया है, तो 2 कप लूँगी मैं रवा। तो पहले हम जो ये 1 कप है वो ऐड कर देंगे तेल, तेल बोल रही, देखो मैं बेवकूफ़ लड़की तेल नहीं, घी में, ठीक है, घी में हमने ऐड कर देना है। अब मैं और 1 कप लूँगी रवा यानी सूजी, उसको भी ऐड कर देंगे। और इसको हमको अच्छे से भूनना है, तो इसको कब तक के भूनना है, इसको हमने भूनना है 20 से 25 मिनट तक स्लो आंच पे, ठीक है, फास्ट आंच नहीं, स्लो आंच पे। तो यहाँ पे पहले जो है मैं घी को अच्छे से रवे में मिक्स कर लूँगी, घी अच्छे से रवे में मिक्स होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो घी को मैंने जो है अच्छे से रवे में मिक्स कर लिया है। अब इसको जैसे ये मैंने बताया हम इसको 25 मिनट तक भूनेंगे स्लो आंच पे, तो आपको इसको ना ऐसे चलाते रहना है, ठीक है। अगर आप नहीं चलाओगे ना तो ये एक साइड से जल जाएगा, मतलब जो साइड नीचे की तरफ होगी ना तो वो वहाँ पर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, तो हमको ब्राउन नहीं करना है, हमको इसको वाइट ही रखना है। तो इसीलिए जो है मतलब यानी एक क्रीम कलर का ना कलर आ जाएगा उस पर, एकदम भी वाइट नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्रीम कलर का नहीं कलर आ जाएगा उस पर। तो हमको इसको भूनना है स्लो गैस, स्लो आंच पे ही, फास्ट आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो आपके जो है रवा जो है पूरा यानी सूजी पूरा जल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, तो यही मेहनत वाला काम है इसको भूनना, बाकी कुछ नहीं। 20 से 25 मिनट तक आपको गैस के पास ही रहना पड़ेगा, अगर मतलब आप हट नहीं सकते, इसको रख के कहीं जा नहीं सकते। तो ये देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हो गया है, अब क्या करेंगे ना हम इसको जो है हम एक इसमें निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, एक प्लेट में इसको जो है हमने निकाल लेना है, ठीक है। तो ना प्लेट थोड़ी बड़ी लेना, मैंने इस मेरे से गलती हो गई, मैंने छोटी मतलब ना भूल से छोटी प्लेट ले ली, तो आप जो है बड़ी प्लेट लेना, ठीक है, मतलब जो हिसाब से आपका जो रवा है वो हिसाब से लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रवा हमने प्लेट में डाल दिया है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, यानी हमको इसको पूरा ठंडा नहीं करना, से हल्का ठंडा हो जाए ना, ये हल्का ठंडा, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं, थोड़े से लिए हैं, लेकिन आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद ना हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पीसी हुई शक्कर ली है, पीसी हुई चीनी, वो तो ये याद रखना, पीसी हुई चीनी जब आप लोगे ना तो उसको छान के डालना, तो मैंने तो डायरेक्ट डाल दी थी, तो फिर मेरे को थोड़ा दिक्कत हो गया था बाद में कि मतलब उसकी जो गुठलियाँ होती है ना उसको तोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप क्या करना ना, आप ये छान के लेना, तो बहुत आसानी से जो है एक एक दाना जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अब ये शक्कर को ना हम अच्छे से इसमें देखो मिक्स कर लिए हैं रवे के साथ, ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इसमें शक्कर मिक्स कर लोगे। अब हम इसमें ना पानी यूज़ करने वाले हैं ना दूध, तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं घी, और इसी के वजह से जो है हमारे लड्डू बहुत दूर तक टिकेंगे, ठीक है, बहुत देर तक टिकेंगे ये। तो अब हमने क्या करना है, घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो हम घी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। तो घी का मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं बता सकती मैं, क्योंकि कैसा है ना, जैसे जैसे आप घी ऐड करते जाओगे ना
तो मैं आपको बताऊंगी। देखो आपको घी ऐड करके ना ऐसे मसलना है, तो आप ऐसे मसलोगे ना अच्छे से, जो है रवा घी के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर आपका जो है इसके लड्डू बनने हो गए रेडी, ठीक है, तो वहाँ पे आप घी डालना बंद कर देना, ओके। लेकिन अगर मतलब ऐसा बोलते हैं ना, एक ऐसा पेड़ा नहीं बन रहा ना, जैसे जब भी आप प्रेस करोगे तो मतलब पेड़ा हाथ में मतलब एक बोलते हैं ना बाइंड नहीं हो रहा ना, तो फिर आपको इसमें और घी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाइंड नहीं हो रहा था तो मैंने इसमें और घी डाल दी, और जैसे कि मैंने बोला मैंने छोटी प्लेट ली थी, तो देखो ना ये सब बाजू में गिर रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं जान लो। तो ना ये अच्छे से मैं इसको देखो ये घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, और इसका ना देखो ऐसा बाइंडिंग होने लगेगा ना, देखो ना आप देख रहे हो ना बाइंडिंग हो रहा है इसका, ठीक है। देखो तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में अब, ठीक है। इसमें घी अच्छे से मिक्स हो गया है, बाइंड हो रहा है, इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के लिए इसलिए रखेंगे ताकि घी जो है सूखे, और इसका जो है ना जब हम लड्डू बनाएं ताकि उसके जो अच्छे से लड्डू बन जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो है इसके लड्डू बना लेने हैं ऐसे एक एक करके, तो यही है 10 मिनट इसको इसलिए रखना है ताकि इसकी घी सूखे और ये मतलब जो है ना रवा जो है घी जो है अच्छे से मिक्स होके थोड़ा सा ना सख्त हो जाए, ताकि इसके हम आसानी से लड्डू बना सके। ये लड्डू बना के आपको 1 से 2 घंटा 2 से 3 घंटा मैं बोलूँगी आपको ऐसे ही रखने हैं, ताकि ये सूखे अच्छे से, घी अच्छे से जो है जम जाए, और अच्छे से इसको एक बोलते ना थोड़ा सा ये लड्डू सख्त हो जाएंगे, ठीक है थोड़े, ठीक है। तो ये बहुत ही दानेदार बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुंह में डालोगे तो पिघल जाएंगे, ऐसे लड्डू बनते हैं दानेदार, और बहुत देर तक चलते हैं, ठीक है। इसमें ना कोई दूध ना कोई चाशनी, बिना किसी के आपने इसको बनाना है, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और रवे को अच्छे से भूनना है ताकि रवा कच्चा नहीं लगे खाते वक्त। तो हमारे लड्डू यहाँ पर बन के रेडी है, आप ज़रूर से बनाना और मुझे बताना कैसा लगा, आओ खाने। तो गाइज देखा आपने, इतनी आसान तरीके से जो है घर पे रवा के लड्डू बन गए, बिना कोई चाशनी के, बिना कोई दूध यूज़ किए, बिना कोई पानी यूज़ किए, हमने इतनी आसानी से घर पे लड्डू बना लिए रवे के, वो भी दानेदार लड्डू बन गए हैं घर पे, और जो हम बहुत देर तक यानी बहुत समय तक जो है टिक सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर से घर पे ट्राई करना, और मुझे बताना आपको कैसी लगी और लड्डू कैसे बने। तब तक के लिए आपका प्यार, आपकी दुआ मुझे बरसाते रहना, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।